अब ओवरऑल अगर पोर्टफोलियोज यहाँ पर देखें तो भारत में सोने और चांदी के निवेश को लेकर अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। ऑफकोर्स जो रिटेल फिजिकल बाइंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की ETF बाइंग होती है एंड फंड बाइंग है, गोल्ड माइन बाइंग भी यहाँ पर लोग करते हैं, वो इंडिया काफ़ी हद तक उसको वो अवेलेबल नहीं है। आप कैसे देखते हैं करंट प्रोडक्ट्स सोने और चांदी में जो फिलहाल हैं? डेफिनेटली मनीषा जी, एंड मेरे हिसाब से डायरेक्ट मेटल ओन करने से ज्यादा मेटल स्टॉक्स में निवेश करने का मौका लेना चाहिए। ऑब्वियसली मेटल कंपनीज या मेटल स्टॉक लिवरेज्ड रिटर्न देते हैं कंपेयर टू कमोडिटी प्राइस। जब कमोडिटी ऊपर जाती है तो स्टॉक्स और ज्यादा ऊपर जाते हैं, एंड जब कमोडिटी गिरती है तो स्टॉक्स और ज्यादा गिरते हैं। बट जब आपके पास चॉइस लिमिटेड है तो अच्छी मेटल कंपनी में निवेश करके आप मेटल साइकिल को प्ले कर सकते हैं। वह आपको लिवरेज रिटर्न देता है, ऑब्वियसली एट अ हायर रिस्क।